सुतनो वाहिगुरु साहिब जीओ हमें दृष्ट शुभ करे हरे यज्ञ पाप सगल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सभय बल सदा सुख मन वसै दुख संसार होवै गुरनव निद दरियाओ जन्म हम काल खोवै सो कहो टल गुर सेवियै अहनस सहज सुभाए दर्शन परसें गुरु के जन्म मरण दुख जाए जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपार मेहरामत सवेर समय सत्संगत दा समा सन प्राप्त होया है। गुरु दरबार विच जो प्रभात समय दे दीवान दे अंदर आसा की वार दा कीर्तन संपन्न होया अरदास दी शमूलियत दे नाल अज दा हुक्मनामा गुरुवाक ज्ञानी जी सानू पाठ रूप में सरवण करा रहे सी। अगले समय विच इन्ना ही गुरबचना दी व्याख्या नाल विचार दे नाल सी सांझ पाउणी है। सो आओ मर्यादित ढंग दे नाल अगलेरे दीवान दी प्रारंभता करिए। खाकसार द्वारा बुलाई गई फतेह आपनू प्रवान होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ए गुरबचन सोरठ की वार महल चौथे की उहदा हिस्सा है। महला चौथा गुरु रामदास साहब गुरु नानक जोत दे चौथे जामे चौथे जानशीन द्वारा ये वार दियां पौड़ियां उचरित कीतियां गईयां ने। वारां दे विच जिथे पौड़ियां ने नाल श्लोक भी ने आप अक्सर पढ़दे हो। सो इहदे विच दो श्लोक ते इक पौड़ी है। पौड़ी डेफिनेटली गुरु रामदास साहब की है क्योंकि वार उन्हां दी उचरित कीती है। जो श्लोक ने ये गुरु अमरदास साहब दे ने तीसरे जामे द्वारा उचारण किए गए ने। सो आओ पहले श्लोक तो विचार का आगाज कर रहे हैं। सब जिक्र करते ने श्लोक महला तीजा। ए मन हर जी त्याए तू एक मन एक चित पाए। ए मन हर जी त्याए तू सीधे तौर पर अपने मन को एड्रेस किया गया है। मन को मुखातब होया गया है। इसनों इस तरह कह लो कि मनुख अपनी चेतना नो अपनी कॉन्शियस नो आवाज़ मार रहा है तो ये कह रहा है ओ मेरे मनवा ओ मेरी चेतना इस बाबत चेतन हो जा आ जड़ा काम करना है। ए मन हर जी त्याए तू हरी वल ध्यान लैके जाना है पर लैके किवें जाना है एक मन एक चित पाए बिल्कुल एकागर चित। गुरु साहब दी बाणी दे विच असी मसालां पढ़दे हाँ मतलब बिल्कुल जिन्हों कह लो कि बड़िया रैशनलाइज करके बड़िया तारकक ढंग दे नाल समझाइया चीज़ा जिवें असी शब्द पढ़िए महाराज बयान करते बीओ बीज पत ले गए अब क्यों उगवै दाल। बीज या मतलब किसी तरह का भी हो चणिया का कोई दाणा लै लवो किसी होर जिहड़ा हैगा खास करके जिन्होंने असीं बीनस कह दें उहदा कोई बीज एनी काइंड ऑफ बीज ईवन गंधम कणक वीट उहदा बीज लै लवो। हुण जो खास करके पीस ऑफ ग्रेन है पीस ऑफ एनी काइंड ऑफ जिहड़ा हैगा बीन हैगा
उस नू तुसी थोड़ा जा तोड़ दियो, उदी छिलक टुट जाए उनू तोड़ दियो, उदे दो टुकड़े कर दियो। ऐसा है कि उदी दाल सब्जी ते बन जाएगी जिसी बनाना चाहो ते, क्योंकि अक्सर इन्हां बीन्स नू तोड़ के उन्हां दियां दालां, दाल दा मतलब दली होना, बनाईआं जांदियां, उदी सब्जी भाजी बना के लोग छक लैंदे। पर जे उस दे विचों असी कुछ कोई प्लांट उसनू पैदा होंदे देखना आ, उसकी असी कुछ जिहड़ा है होंद लियाउणी चाहुंदे आ, भई उहदे लई तां उहनूं सालम बिल्कुल साबत रखना पएगा। जे किते उह सालम बिल्कुल एग्जैक्टली एज इट इज़ प्रिजर्व करके ना रखिया, टुट गया, उहदे विचों बूटा नहीं उगेगा। जिहड़ी संसारी दुनिया आ ना, ये तो अद्धे अधूरे मन नाल भी थोड़ी बहुती चली जाती है। बंदा अद्धा काम ते अद्धा कर आ, काम हो ही जाता है, या अद्धा कर अद्धा काम ते आ, घर भी चली जाता थोड़ा बहुता। पर जिहड़ी असी स्पिरिचुअल टास्क की गल करते हैं ना, रूहानी तौर पर, उहदे विच बिल्कुल अद्धे अधूरे मन नाल कुछ नहीं होंदा। बल्कि जिथे मन नहीं है उसनू ते बाणी चस्ती इस तरह बचन पढ़ते हैं, दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चे आ, जिन मन होर मुख होर से कंढ ही कच्चे आ। जिदे मूँह विच कुछ होर चल रहा है, मन विच कुछ होर चल रहा है, वो तो कच्चाई है, वो तो कच्चापन है। भाव मतलब है जिदी चेतना, जिदी कॉन्शियस जिहड़ी है, उस लैवल ते किते कंसंट्रेट नहीं हैगी, एकाग्र नहीं हैगी, भाई उहदे विचों कुछ भी कढ़न पाउण नूं नहीं हैगा। इसे करके कहा गया मन नूं, असी बड़े रंग पढ़ी है अपने बाणी विच, अपने बाणी रिलेटिड लिटरेचर दे विच असी ये पढ़ते हैगे आ, सब को काल सबन को करता, दोख रोग दोख सोख रोगन को हरता, एक चित्त जह एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। क्या सब को काल सबन को करता, बनने वाला बनाने वाला ते टाउन वाला वो आप ही आप है, कोई और नहीं है। सब को काल सबन को करता, फिर क्या रोग सोग दोखन को हरता, रोग सोग दोख ये भी वो हरन वाला आ। भरोसे की गल हो रही सारी ये भाव, जिन्हें सिरजिया है, जिन्हें प्रतिपालना है, जिन्हें संघारना है, अल्टीमेटली उही साड़ी आस्था का मरकज आ। सानू उहदे नाल ही कनैक्ट होना चाहिए, उहदे नाल ही एसोसीएशन बनानी चाहिए है, उहदियां सांझां विचों ही साडा कुछ कल्याण हो सकता है। सो बचन आया कि वह है सब को काल सबन को करता, रोग सोग दोखन को हरता। ठीक है जी, जो है ही तो फिर उहदे नाल जो तुसीं कनैक्शन बिल्ड करना तो किवें करिए। साहब कहिंदे एक चित्त जे एक छिन ध्यायो, एक चित्त बिल्कुल एकाग्र रूप दे विच हो के, एक छिन एक निमख पल ले भी, थोड़े जे समय ले भी, जे किते एहो जी बात बन आवे, काल फास के बीच ना आयो। फिर जिहड़ी काल दी फाही है, काल दी फाही की है, इहनूं अंग्रेजी लिटरेचर च कहा जांदा है कि वैन पीपल आर नॉट रेडी फॉर द ट्रांजिशंस, जो ट्रांजिशनल पीरियड आउंदे ना, तब्दीली आउंदी, बदलाव आउंदा, उहदे नाल बंदा कॉन्शियस लैवल ते या अवेयर नहीं हुंदा, जे हो रहा है थोड़ी बहुत पता लगता है तो उहदे नाल डिसएग्री करता है, ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। जिवें कोई भी चीज़ है, उम्र का पड़ा बदलता है, उम्र के पड़ा बदलन के नाल बंदे की रिस्पोंसिबिलिटी बदलती है, बंदे की लाइफ के प्रति अप्रोच बदलती है, मतलब सब कुछ बदलेगा। जिवें सपोज करो एक बच्चा प्राइमरी स्कूल च पढ़ता आ, हुण मिडल स्कूल जा रहा है, जिवें प्राइमरी स्कूल दे विच करदा सीगा उवें मिडल स्कूल च करे जा के, मतलब स्टडी वध रही है, रिस्पोंसिबिलिटी वध रही है। हुण उह कहे कि नो 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 इट्स ओके, मैं ना जिवें पहला आई वॉज ओनली स्टडिंग फॉर 1 आवर, दैट वॉज एनफ सफिशियंट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई एक्चुअली जस्ट प्ले, एंड आई विल कीप ऑन प्लेइंग लाइक दैट, इट्स नॉट गोना वर्क। ट्रांजिशनल पीरियड आ गया, तब्दीली जरूरी है। ये तां पता लगेगा
जे मन एकाग्र होएगा तो देखेगा बदल की रहा आले दुआले। जिन्होंने गुरु साहब ने कहा कि हर चीज़ की तब्दीली हो रही है, तो यही जागण की बात है, यही जागृत होने की बात है। सपोज करो कोई बंदा सुता आया तो उठता आया, तो उठ के भी सुता पिया है, दिन चढ़ गया है, समा बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, तो वो अकॉर्डिंगली जेडे चेंजेस चाहिए ने, जेडे एक्शन चाहिए ने, दैट इंडिविजुअल इज़ नॉट रेडी टू डू दैट, दैन वट्स गोना हैपन। डेफिनेटली काल की फास लगेगी, काल की फाही लगेगी। तो काल की फाही की है? जो हो रहा है, जो वापर रहा है, एक तो वह बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लगेगा, तो वो सिट्टे रिजल्ट जेडे कॉन्सिक्वेंस आने उन्होंने मैं किसी तरीके भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर कोई मैं आके कहिंदा तू ना रजा विच राजी रहा करो, कह किवें रहांगा, क्योंकि देखिया है ही नहीं, कुछ अवेयरनेस ही नहीं गई। इस करके जिहड़ी मन की एकाग्रता आ, यह सिर्फ एक छोटा जिहा मकैनिज़म नहीं हैगा कि बंदा पाठ करन लग गया कंसनट्रेट हो गया, नहीं, ये तो एक कंप्लीट वर्चू आ ह्यूमैनिटी का, एक संपूर्ण गुण आ साढ़े जीवन का, जिसनों एक कैनेडियन स्कॉलर ने एक पूरा का पूरा किताब चा लिख मारिया देते, पावर ऑफ नाओ, हुण विच रहण दी शक्ति, मतलब स्टे इन प्रेजेंट, ट्राई टू बी हेयर एंड नाओ दी सिचुएशन दे विच रहे, उदे च रहे, यत्नशील हो, अज विच रहे, हुण विच रहे। जदों इहदे नाल रहेगा आले दुआले जो कुछ वापरदा है, अंदर जो वापरदा है, बाहर जो वापरदा है, ध्यान रखेगा, ध्यान जाएगा उहदे विच, तो उस सारे दे नाल चीज़ा सही परसपैक्टिव दे विच परसीव करेगा, प्रोसैस करेगा, मैनीफेस्ट करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, रिजल्ट्स तेरे तो बाहर नहीं होंगे, तेनू पता होएगा इस सब दे नाल की वापरना आ, की होना आ। ये जिहड़ी चीज़ आ ये बंदे नू सुखद हालत च लैके जाती है, क्योंकि उन्हें एहसास हुंदा आ मैं की कर रहा वा, कि सिट्टे निकल रहे ने इहदे एक्चुअल लैवल ते। इहदे विच्चों ही बंदा जिहनू कहिंदे असीं, मैं रिस्पोंसिबिलिटी की गल कर रहा सीगा, बंदा जिम्मेवाराना ढंग दे नाल अपने आप नू फिर लैके आउंदा आ। नहीं तो अक्सर आपने देखिया होएगा लोग चीज़ां वापरदियां ने ते कई बार शिकायतां करदे ने, कित्थे आ रब भाई, आ फलाना काम माड़ा हो गया, फलाना गलत हो गया। एकाग्र नहीं गए ना, अवेयर नहीं गए ना, जागृत नहीं है गए भाई। करतारी निजाम दे विच ते उसने एक पूरी दी पूरी निजामत बनाई है, तो वो एक हुक्म दिया भाया, जिन्हों गुरु साहब ने कहा सीगा हुक्म ना जाना है बहुता रोवै, मतलब जिहड़ा बंदा बहुत तड़पता रोंदा आ मनना पएगा, इहनू हुक्म दी कोई समझ नहीं गी, इहनू कोई एहसास नहीं गा कि जे किसी ने जहर पीता तो मरेगा, जे किसी ने अग्ग च हाथ पाया तो सड़ेगा। ये चीज़ा सिंपल चीज़ा ने, साधारण तौर पर बात हो रही है। जे कोई अनएथिकली नॉन प्रिंसीपल साइड तो जीवन में जीन की ट्राई कर रहा है, जो कुदरत के असूलों के खिलाफ है, जो यूनिवर्सल ला के खिलाफ आ, भाई वो इंतकाम होंगे, भाई वो जड़ा है इवजाने बड़े डाढ़े भुगतने पैणगे। महाराज बयान कर दे उदी समझ नहीं है, हुक्म ना जाना है बहुता रोब है, अंतर धोखा नींद ना सोवै, अंतर धोखा बंद लगता भी मैं ना कोई ना, मैं सपोज करो अपना रोल पूरा प्ले भी नहीं किया। जो मैं पहले विनती की भी संसार कई बार चलता दिसदा एवें भी आपां कम ते गए, पूरा ध्यान नहीं दिता, जिन्ना क होया कर लिया, जिन्ना क ना होया, मतलब धोखा किया अपने नाल भी, सामने वाले नाल भी, कम चली गया, सालों के साल लंघ गए। पर यह नहीं कि उदे सिट्टे निकलने नहीं, निकलणगे वक्त पा के, पर मैनू लगता कि कोई ऐसी गल नहीं है। सब कहते अंतर धोखा, नींद ना सोवे, पीस ऑफ माइंड कितों मिलेगा, कितना कितने तो गड़बड़ है ना, कुछ ना कुछ। इस करके बंदा जो तो जहनी तौर पर ऐसे हालातों में होंदा आ, उसनू कोई पता ही नहीं कि जीवन का असल सुख शांति वो की चीज़ होंगी है। एक छोटी जी एग्जाम्पल दे दिना वा, असी गुरमत इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे सीगे, साड़ी बड़ी बड़ा इंटेंस प्रोग्राम सीगा उन्हां दिनां दे विच, वी वर डूइंग गुरबाणी संथ्या एंड बड़े स्कॉलर बंदे सानू आ रहे सीगे,
7 to 8 घंटे सिटिंग होंदी सी डेली, एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर जिहड़ा सीगा उहदे ते असीं कंसंट्रेट करके जा रहे सीगे। इस तरीके दे नाल सिर्फ 9 विद्यार्थी सी, कई बार सानू पढ़ाउण वाले साडे तों ज़्यादा होंदे सी, मतलब 9 असीं आ, कई बार 7-8 स्कॉलर आ जांदे सी विच। बड़ा इंटेंस ते बड़ा मतलब एक क्वालिटीफुल प्रोग्राम सानू विद्या देण वाले उन्हां मतलब कहा जाए कि महान रूहानिक सिरजिया। साडे प्रिंसीपल साहब देर वेरी स्ट्रिक्ट, वो कहिंदे सी कि 9 बजे जदों आए, खास करके वैसे तो सारा जिहड़ा सीगा गुरमत ट्रेनिंग का प्रोग्राम उहदे विच बड़े किसी तरीके दे नाल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं सी करना चाहते, बट वैन वी वर डूइंग आवर संध्या दैट टाइम देवर सेइंग 9 बजे। ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि कोई एक दिन ले भी एक पल ले भी कोई उतो माड़ा जा सज्जे खब्बे हो जाए, जिमें प्लान किया उमें चलना चाहिए। खैर असी उत्थे संध्या की क्लास चल रही साड़ी, दो यूनिवर्सिटी स्कॉलर प्रोफेसर आके बैठे ने, एक बड़े गुरमुख सज्जन जिन्होंने बड़ी गुरमत गुरबाणी की महारत आ, खास करके गुरबाणी तालीम वाले व्याकरणक पक्ष तो बैठे ने। मैनू याद आया शायद डॉक्टर गुरतारण सिंह वो भी बैठे ने उत्थे, जिन्ना मैनू ख्याल पैंदा। होया कि एक बुजुर्ग आ गए समहाओ, वैसे इंस्टीट्यूशन दे विच आउणा एडा आसान नहीं सीगा, बाहर साडे गार्ड हुंदा सीगा, उस तो बाद अगे दो ऑफिस के बंदे जिहड़े उत्थे ट्रेजरी हुंदे सीगे वह बैठे हुंदे सीगे, मतलब काफ़ी तो काफ़ी अगे जा के बिल्डिंग सी। वो खैर बुजुर्ग किसी तरीके नाल सारयां नूं पता नहीं गल करके चकानी दे के किसी तरीके नाल पहुँच गए उत्थे, संथ्या की क्लास चल रही, उन्हें आगे फतेह बुलाती, फतेह बुलाई, सारे ने देखा, प्रिंसीपल साहब ने भी देखा, सी क्या प्रिंसीपल साहब ने बुलाया होना। उस तो पहले कि कुछ होर कहिंदे वो विच ही सारे टोकते हुए कहन लगे भी गल है, मैनू पता है तुहाडा टाइम बड़ा कीमती है, मैं गुरमत दे स्कूल दा गुरमत दे राह दा पांधी हाँ, आप इन्हां बच्चियां नूं गुरबाणी तो गुरमत की विद्या दे रहे हो। खास करके प्रिंसीपल साहब नूं एड्रेस करके कहिंदा, कहिंदा कि मेरी इल्तजा तुहाडे सामने यह है कि मैनू भी सारी उम्र हो गई बाणी पढ़दिआं, बाणी दे नाल सांझ पाउंदिआं, मेरा एक अंदर एक डिलेमा है, एक बड़ी वड्डी दुविधा दूचती दा रूप चलदा आ, वो ये है कि सपोज इधर गुटका खोलिया सवेरे उठिया जपजी साहब ही कर लगा, इधर चल रहा सोचा सोच ना हो गई, जे सोचे लखवार चुप है चुप ना हो गई, जे लाए रहा लिवतार, इधर पाठ चलता आ उधर मन दे फुरने चलने शुरू हो जाते हैं। कई बार तो यह भी नहीं पता लगता कि सुनिया दियाँ चारे पौड़ियाँ पढ़ आया, मैं मन्ने की पौड़ी पढ़न लगा, मन्ने सुरत हुआ मन बुद्ध मन्ने सगल पौन की सुत, यह मैं पढ़ रहा, पिछलियां पौड़ियां किन्ने पढ़िया ने, मन दे वलवले मन दे फुरने कितने दूर लै गए ने उड़ा के। मेरा सवाल सिर्फ इन्ना आ, मेरी हैल्प करो ये हूँ। गल ये है सवाल तो बुजुर्ग कर रहा है, पर कल बुजुर्ग कल्ले दा सवाल नहीं है, सवाल साडा सारयां दा भी है। असी भी जिहड़े विद्यार्थी बैठे हाँ असी क्या राइट, असी क्या प्रिंसीपल साहब दैट्स राइट, इट ऑलसो हैपन टू अस, वी ऑलसो गो थ्रू द विद द सेम काइंड ऑफ इशूज। सो बिफोर वी एक्चुअली प्रसू आवर क्लास और कंटिन्यू आवर क्लास, प्लीज आंसर अस वट दिस ओल्ड मैन इज आस्किंग टू अस। जो ये गल हुई जड़ा सीगा प्रिंसीपल साहब थोड़े चुप कर गए, साढ़े बड़े स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर गुरतारण सिंह, वो कहिंदे कहिंदे बुजुर्गो बैठ जाओ, कहिंदे गल ये है कि जिहड़ी जपजी साहब वर्गी रचना आ बहुत आला रचना आ, सारी बाणी अपने आप बड़ी तुरकी बाणी आई जिहनूं कहिंदे आ असीं दरगाही रचना आ। हुण जिहड़ा इहदा इहदे नाल साडी सुरत ने ट्रैवल करना, जो असीं पाठ करदे आ साडी सुरत जिहड़ी है जिसनूं असीं कंसंट्रेशन कह दिंदे आ, इतनी पेतली है, इतनी कमजोर है, इतनी वीक आ,
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਥੋਟ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਖੇਡ 'ਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਿਆਨ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਓਹੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵਜਨ ਚੁੱਕਦੀ, ਫਿਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਤ ਬਣੇਗੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਪਲ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ ਅਮਲਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ, ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਜਿਸ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਜਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਜਿਸ ਓਨੈਸਟ ਐਂਡ ਬੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਪਲ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਦੋ ਹੈਮਸਫੇਅਰ ਨੇ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿੰਬਿਕ ਪਾਰਟ। ਸਾਡਾ 80% ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਅਮਲ ਅਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਿਆਕਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਛਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਰੋਨਸ 'ਤੇ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੂਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਡੂਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮੀਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆ, ਗਿਲਾ ਆ, ਗਮ ਆ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਭਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮੂਡ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਹਾਰ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਟੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਓਨੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਓਨੈਸਟ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਓਗੇ, ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਓਗੇ, ਇਬਾਦਤ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਆਓਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਭ ਕੋ ਕਾਲ ਸਭਨ ਕੋ ਕਰਤਾ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੋਖਨ ਕੋ ਹਰਤਾ, ਏਕ ਚਿੱਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦਿਹਾਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਏਕ ਚਿੱਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦਿਹਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਬਸ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛਿੰਨ, ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਵਾਪਰੀ, ਓਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਆ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਕੀ ਹੈ,
कीर्तन की है, संगत की है। ये गुरु शब्द किस कमाले करामात नूं दे रहे ने। आह रूपया इहदी सिर्फ गल ना होए, इहदी सिर्फ स्रोत ना होए, इहनूं बंदा टेस्ट कर लवे, इहनूं इंजॉय कर लवे, इहनूं अडॉप्ट कर लवे, इहनूं इंप्लीमेंट कर लवे, इहनूं जीवन दे विच बिल्कुल वापरदा होया वेख लवे। ये गुरु साहब कह रहे हैं। गुरु अमरदास साहब का बचन, ये मन हर जी त्याए तू, ओ मेरे मन तू हरी वल ध्यान लैके जा। तो ये कोई शो ऑफ करन वाली, विखावा करन वाली एहो जी चीज़ नहीं। तो इसनू करन वास्ते कुछ बेसिक जड़ियाँ जरूरतां या बेसिक जड़ी खास करके नीड आ वो फुलफिल जरूर होनी चाहिए है। वो किहड़ी है जी? हर जी त्याए तू एक मन एक चित पाए। बस एक मन एकाग्र चित हो जा, बिल्कुल उच कोई किसी किस्म दे नाल कोई होर चीज़ ना होए, सिर्फ तो सिर्फ ओदा ही एहसास, ओदा ही रूप, पूर्ण रूप च बंदे दे अंदर अमा जाए। फिर क्या हरकियां सदा सदा वड़ियाईयां। इत्थे जा के जिहड़ी बात पहला मैं कर रहा सारी, ये बिलीव है, विश्वास है, इसनू विश्वास समझ के अडॉप्ट करना है। पर फिर साडा रैशनल माइंड जिहड़ा आ वो फिर विच इंटरवीन करेगा। इन्नी सारी मुसीबत करन दी की लोड़ की है? ये तापिया, एक्चुअली ये तापिया रियालिटी दे विच, ये करन दी लोड़ की है? क्योंकि उन्हें लगता कि ये मैनू प्राप्त की होएगा। गुरु साहब कहिंदे जे तू ये कार्ज करेगा, क्योंकि हरि नूं त्याएगा, तू एक मन एक चित हो के हरकियां सदा सदा वडियाईयां, उहदी वडियाई बड़ी आ, ते सदा तो लैके सदा तक है। जदों उस लैवल ते जाए उड़ाई दी दुनिया च आ जाने असीं। अज आप देखोगे जितनी अपॉर्चुनिटीज अज दुनिया दे कोल है, इतनी कदी किसी कोल नहीं हुई। अज मतलब जिन्हों धरती की बादशाहत कह लो, कोई बंदा भी माण सकता है, किसी समय किसी उम्र च किसी भी जाके माणे जा सकता है। क्योंकि एजुकेशन दे उत्ते सब कुछ खड़ा है, तालीम ते खड़ा है सारा कुछ। जिन्ना मुबालिक च असीं बैठे हाँ, ये खास करके अमेरिकनाइज वैस्टनाइज वर्ल्ड जिहड़ा आ, इत्थे ते तुसीं तालीम आफ्ता हुंदे जाओ, तुसीं अपने आप नूं लई आओ, सारा कुछ चलना ही इहदे सिर ते। इस सब दे विच देखण च आ रहा है कि इन्हां मुल्कां दे विच साडे अपनी जिहड़ी सैकेंड थर्ड जनरेशन आ रही है, बड़ी स्ट्रगल हो रही है। क्योंकि जिन्नियां यूनिवर्सिटीज़ ने, जिन्ना इत्थे उन्हां दे कोल रिसोर्सिज़ ने, अपॉर्चुनिटीज़ ने, वो अवेल नहीं कर पा रहे। अवेल कौन कर रहे ने? जिहड़े बड़े गरीब ममालिक तो थर्ड वर्ल्ड विचों आ रहे ने इधर, वो मोस्टली अवेल कर रहे हैं। आप कल्ले अमेरिकन खास करके जिहड़ा टेक्नोलॉजी वर्ल्ड आ, माइक्रोसॉफ्ट तो लैके तो गूगल तो फेसबुक तक चले जाओ ऑल द वे, तुहानू पता लगेगा जिन्नियां हायर लैवल दियां पोस्ट ने, मैनूं कई जगह तो सीईओ वो डायरैक्टली एशिया तो इंडिया तो आ रहे हैं। इतों का टैलेंट किधर गया भाई? सारा मुश्किल ये बन गई जिहड़ी उत्थे जिस लैवल का कैलीबर चाहिए है, वो कैलीबर नहीं जनरेट हो रहा इत्थे। वो क्यों नहीं हो रहा? उहदे वास्ते सब तो वड्डी गल कहिंदे ने, कहिंदे ने इत्थे बच्चियां च कंसंट्रेशन ही नहीं हैगी। उन्हां नूं वो गुआचे फिरदे ने। हुण गुआचण दा कारण इहदे उत्ते बड़ियां बड़े बहुत सारी रिसर्चेज आईयां ने, लोकां कहा कि हाँ भाई इन्ना ज़्यादा आया। हुण सपोज करो बच्चा आया, बच्चा सवेरे उठ्या, उठ के उन्हें लगा स्कूल जाना, ओ माई गॉश स्कूल भी कोई चीज़ है जाण वाली, घर दे वीडियो गेम पई है, स्क्रीन पई है, कंप्यूटर स्क्रीन पई है, किन्ना कुछ देखण वाला, प्ले करन वाला किन्ना कुछ आ। बच्चा कुछ ना करे, सिर्फ यूट्यूब ती चला जाए, दुनिया भर दियाँ फनी वीडियोज किन्ना कुछ, वो तो लॉस्ट हो जाएगा उस सारे समुंदर च। हुण लगेगा टाइम किन्ना थोड़ा आ, इन्ना कुछ पिया आ वेखण वास्ते। हुण सारे दे विच उहनू तुसीं इह कहो तू टैक्सट बुक पढ़, वो कहिंदा बड़ा बोरिंग थिंग, यू गाइज आर पुशिंग मी टू डू, आई डोंट वॉन्ट टू डू इट। इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां ने हुण सारे दे विच, किन्ना हार्ड है, किन्ना औखा होया पै। एक उस लैवल ते सोच के देखो। इहदे बाबत इह मन्निया गया कि शायद ना
अज दे जिहड़े खास करके नवीं जनरेशन जिहड़ी आ रही है इन्हां दा इन्हां च एबिलिटी नहीं रह गई, इन्हां नूं कोई ना परमानेंटली कोई प्रॉब्लम आ गई है। साढ़े इत्थे तो हुण मैं देखदा हाँ खास करके जिहड़े साइकी एक्सपर्ट्स हैगे ने, भावें साइकोलॉजिस्ट ने भावें साइकैट्रिस्ट हैगे ने, बच्चों के उत्ते यंग बच्चों ते इंज मोहरां ला रहे ने, ठोक रहे ने, स्टैंपां फड़ियां ने हाथ च, मतलब ऑटिज़म चक दिओ, ADHD चक दिओ, OCD चक दिओ, फटाफट ठोकी जा रहे मोहरां लगातार। हुण उह डिसऑर्डरस मैंटल डिसऑर्डरस आ है आ है आ है इस तरीके नाल हो रहा है। इहदे पिछे कारण भी है क्योंकि जिहड़ा फार्माकोलॉजिकल मॉडल आ दवाइया वाला ये सानू अपील बड़ा करता है। असी आप देखिए डॉक्टर को जाइए तो बिल्कुल जिहड़ा बॉर्डर लाइन तो शुगर आई होए, हाई कोलेस्ट्रॉल आया होए तो डॉक्टर सानू कहे भी गोली ले लो, या डॉक्टर कई बारी ये कहेगा ही नहीं कि इहदा कोई होर भी ट्रीटमेंट हैगा, इहदा असी कोई अल्टरनेटिव भी देख सकते हैं। अल्टरनेटिव की है? फूड चेंजेस किए जाण। अल्टरनेटिव की है? एक्सरसाइज की जाए। अल्टरनेटिव की है? जो तेरा काम है स्ट्रैस है कितने वो सारे उत्ते काम किया जाए, वो छड़ो पर गोली लवो। सो एक पिल कल्चर जेड़ा आया इस इन एग्जैक्टली इस तरीके सब जगह पर चली जा रही चीज़। हुण सारे दे बाबत पिछे एक बड़े न्यूरोसाइंसिस दे विच बहुत वड्डे स्कॉलर बंदे दी मैं वो सारी बात पढ़ी, उन्हें किताब लिखी, वो किताब इंट्रोड्यूस कर रहे CBC के उत्ते। उन्हों इंटरव्यू करने वाली लेडी पूछती है कि मैनू लगता है जिहड़े अज साडे खास करके यंग ब्रेन ने यंग माइंड ने इन्हां नूं कोई लैकिंग है, वो कहिंदी नहीं। सच्चाई ये है जिन्हें साडे ब्रेन शार्पन ने अज दे तारीख दे विच साडे कोल कोई एविडेंस नहीं कि ये इन्हां च कोई कमी है, बल्कि सानूं लगता है कि ज़्यादा इन्हां दे विच एबिलिटी हैगी है, ज़्यादा शार्पन ने। वो कहिंदी पर जिन्हें ये कन्फ्यूज ने, जिन्हें ये खास करके परमित हो जाते हैं उतना तो कोई हों नहीं गा। वो कहते यदा कारण उन्हों की वायरिंग या न्यूरो एबिलिटी या जिन्हों कह लो दिमाग या मन नहीं है, माइंड नहीं है, यदा मुख रूप से समस्या इनवायरमेंट है। इनवायरमेंट ही इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव आ कि सारे असी आप अपने जेबां दे विच स्मार्टफोन चक के तुरे फिरते, सारी दुनिया भर की चीज़ साढ़े सोशल अकाउंट्स भी, साढ़ी ईमेल्स भी, साढ़े बैंक अकाउंट भी, हर चीज़ उत्ते पई है। मतलब एक एक पल दे विच इनफॉर्मेशन डिग रही है तो सानू सानू दो दो चार चार मिनटां बाद कदी आ थॉट मिल रहा, कदी आ थॉट मिल रहा, कदी आ थॉट मिल रहा। बंदे की जो कर रहा है उहदे ते एकाग्रता कित्थे बन जाएगी? बंदा तो घर दे विच आपने देखा होगा बहुत जरूरी गल हो रही है तो बंदा फोन लैके फोन देख रहा है, सामने वाला सोचता हद हो गई ये, मैं गल कोई होर कर रहा है, वो कहिंदा कोई नहीं मैसेज आया माड़ा जिहा मैं देख लाँ, मैं मैसेज आया। इस तरीके की जी लगातार है चीज़ वो चली जा रही है। खैर जी लोंग स्टोरी शॉर्ट करिए, इसने कहा भी गल ठीक है, समस्या तो है, वो बुक का ना ही लिखा उन्हें कंसनट्रेशन, पर अल्टीमेटली इस कंसनट्रेशन लियान वास्ते कोई तरीका भी तो होएगा। वो फिर वो एक डैनिश स्कॉलर है यूरोप का, वो कहिंदा एक तरीका तो यूनिवर्सल है जिहड़ा हजारा हजारा सालों तो लोगों ने यूज़ किया तो अज भी यूज हो सकता तो यूज़ लोग करते हैं, वो की है? मैडीटेशन। कहिंदा दैट इज़ द मेन, एक्चुअली इस तो बिना होर कुछ नहीं है। मन की दुनिया के दवाइया दारू टीके ये नहीं जाते, मन की दुनिया के ख्याल ही कम करते हैं, विचार ही कम करते हैं, तो ख्याल विचार किसी बिलीव सिस्टम नाल अंगेज हो के आ जाण तो तुसी उन्हां नूं किसी तरीके मैनीफेस्ट कर लवो, रिजल्ट तुहाडे सामने होएगा। इत्थे गुरु बाबा जी ने बात कीती हरकियां सदा सदा वड्याईयां। ईवन कोई बंदा चाहता है मैं पाठ क्यों करा, आई डोंट वॉन्ट टू बी रिलीजियस परसन, आई डोंट हैव एनी एक्चुअली रिलीजियस काइंड ऑफ यू कैन से एंगेजमेंट। भाई कोई गल नहीं, दुनिया तो चंगी बनाने ही चाहना है ना, हाँ दुनिया चंगी चाहना, मैं चाहना मेरी फैमिली लाइफ बड़ी वधिया, मैं चाहना मेरा बिजनेस बड़ा वधिया, मैं चाहना मेरी एजुकेशन बड़ी, मैं सब तो बेस्ट एजुकेशन लैके आवा। भाई ये भी हरी की वड्याई आ, आ जिहड़ा एक मन एक चित भाए की गल हो रही है इनू अडोप्ट करेंगे आ भी मिल जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ ही है।
हरकियां सदा सदा वडियाईयां, दे ना पछोताए। तो फिर वह देने वाला दाता इतना बेअंत आ, सब नू दे रहा है तो दे के पछताउंदा नहीं गा। भाव यह है कि बंदे तू ईमानदारी दे नाल इस स्कूल ऑफ थॉट नू, इस विचारधारा नू अडॉप्ट कर, तेरा फायदा ही फायदा आ। अगला वचन लिखिया साहब ने, हाँ हरक है सद बलिहार ने, जित सेवे हैं सुख पाए। मैं हरी तो सदा बलिहार जाना, क्योंकि जिदी सेवा विचों सदा सुख आ। हुण हरी दी सेवा मूर्ति बना के रब दी पूजन वाली गल तो है नहीं, कि ना सिखी च चीज गई, वर्शिपिज्म दी जगह ही कोई नहीं है। हरी दी सेवा की करोगे? बाबा फरीद जी नूं पुछिए ना, बाबा फरीद जी रब दी सेवा करनी है, किसी होर दी सेवा ही नहीं करनी। आपां रब नूं ही मन्ने आ तां रब दी सेवा करांगे। आखिरकार शुरू भी तो करनी पएगी ना कितों कितों, जे सेवा करनी है तो। भगत फरीद जी नूं पुछिए कितों करिए शुरू। बाबा फरीद जी कहिंदे आप सवार है मैं मिलां, इत्थों शुरू कर, अपने आपे नूं सवार, अपनी सेवा च लग जा। जिन्ना अपने आप नूं संभालेगा अपनी दुनिया संवारेगा। समझी, ये रब दा ही टास्क है असल दे च, क्योंकि जिंदगी तो उन्हें दित्ती है ना, तो इहदे विचों ही महासुख है। आप सवार है मैं मिलां, मैं मिलिया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा होए रहें सब जग तेरा होए। जे तू इस रूप दे विच अपने आप नूं अडॉप्ट कर लवे, तो उस असल मैं दे नेड़े चल आ जाए, भाव अपने इस जीवन नूं सवारन वाले पासे ध्यान देवें। जिन साहब ने कहा मैं उस तो बलिहार जाना वा, उस बलिहार जाण करके, उसकी सेवा करन करके जित सेवियां सुख पाए। नानक गुरमुख मिल रहा है, होमै शब्द जलाए। हे नानक, गुरु वल मूँह करके बंदे दे विच्चों सब तो वड्डी अलामत, धरती दे उत्ते जिस तो वड्डी अलामत कोई नहीं, होमै शब्द जलाए। होमै नूं धरती दियां लकड़ां या कोई हीटर या कोई इत्थों दा कोई जिहड़ा हैगा मशीन नहीं साड़दी, होमै नूं तो शब्द ही साड़ सकदा। बस जिहड़ा बंदा कहिंदा है मेरे अंदर होमै दा कोई कीड़ा आ, होमै दा कोई कंडा आ, होमै दी कोई दर्दता है मेरे अंदर, शब्द दे नेड़े आ पाई। दूसरा बचन है महला तीजा, आपे सेवा लायन आपे बख्श करे। बाकी उहदे अरदास ही है, सेवा भी उन्हें आप ही लाउणा है, नवाजिश भी उन्हें करनी है। इत्थे जाके जिवें असीं गुरुद्वारा साहब आउंदे आ, अरदास करदे आ, सिर झुकाउंदे आ, सिजदा करदे आ, इह की है? इह तरला आ, इह करतार करन कराउण वाला तूं है। आपे सेवा लायन आपे बख्श करे, फिर क्या सभना का माँ प्यो आप है, आपे सार करे। तू सब दा माँ बाप है, सब दी सार करन वाला तू है, तेरे तो बिना होर कुछ नहीं। हे करतार, तू ही असल च सानू सब नू नवाजण ते देण वाला है। सो दी बात कीती गई, नानक नाम ध्यान ते निज करवास है, जुग जुग सोभा होए। हे नानक, जिन्हां ने नाम दे विच ध्यान जोड़ लिया तिन निज करवास है। निज करवास निज मनुख दा मनुखी सुभा आ। जिवें सपोज करो आपां बटर दी टिक्की लैके आउने आ स्टोर तो खरीद के, तो साढ़े घर दे विच ओवन भी हैगा तो फ्रिज भी हैगी है, तुसी बटर दी टिक्की कित्थे प्रैफर करोगे रखनी, ओवन विच के फ्रिज विच? ईवन जो थोड़ा जिहा टैंपरेचर हाई हो जाएगा तुसी उहनू बाहर भी नहीं रख सकते ओपन विच। तुहानू उसनू उहदा जिहड़ा ढुकवां एप्रोप्रिएट प्लेस आ उत्थे ही रखना पएगा उहनू। तुसी कहो कि ठीक आ रखना ही है ना, कितें आपां एक कम करदे आ, आपां फ्रिज की बजाए ओवन च रख दें, की होएगा? ब्रस्ट हो जाएगा। एक्शन लैवल ते मनुख अपनी मन की दुनिया नू रब दे आसरे टकाएगा, इनू शांति मिलेगी, इनू टका मिलेगा। जे रब दे आसरे, जिन्हों साहब ने कहा सीगा मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। तू किस पासे वेखना है, किसे ते भरोसा करना है, अपनी मन की दुनिया किदे ते टिकाउणी है? जिते टिकाएगा, जिदे विच रखेगा उस किस्म का प्रभाव पएगा। जे ओवन च रखेगा, जे इस किस्म दे असी चलाकियां दुनियादारी दीआं चीज़ां च गवाचांगे मारे जावांगे, कोई नहीं बचा सकेगा सानू। साहब कहिंदे इस करके एहसास कर, जे तू हरी वाले पासे जाएगा तो निज करवास है, जुग जुग शोभा होए। तो जिन्हां ने इस चीज़ नूं अडॉप्ट कर लिया ना, जुगां जुगांतरां तक शोभ निकता जीवन में आ गए। अगे पौड़ी है, तू करण कारण समर्थ है करते, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। हे करतार, तू ही करण कराउण वाला है।
बंदे दे मन विच एक घबराहट भी होंदी है जदों असीं कोई कम देखदे आ ना, मतलब कम कह लो कोई चीज़ भी है, अपनी कोई छोटी जी आदत, अपना कोई छोटा जिहा जीवन का पक्ष बंदे ने सुधारना होए, बंदा एक अद्धी ट्राई करे बंदा थक जाता है, बंदा कहिंदा है अपने तो नहीं होना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, दैन बंदा गिव अप कर जाता है। गुरु साहब कहिंदे जे तैनू पता होए तू करण कारण समर्थ है करते, भी करण कराउण वाला तो वह आप ही आप है, उही समर्थ है, तो उहदे अगे अरदास कर, मैं तुझ बिन अवर ना कोई, आपां तेरे तो बिना कुछ होर है ही नहीं गए। मैं फिर बेनती करांगा अज की दुनिया विच जिहदे विच इतनी तालीम है, इतना सब कुछ आ गया है, तो हुण ते सानू एक्चुअल लैवल ते लंबे समय तो मैं काउंसलिंग विच जुड़िया हैगा, तो उहदे विच सानू ये समा सीगा पढ़ाया जांदा सीगा कि देर आर थ्री एक्चुअली मेन एरियाज, वी हैव टू वर्क ऑन थ्री एरियाज टू गैट समवनस वैल बीइंग, किसी की भले वास्ते सानू तीन चीज़ों पर ध्यान देने की लोड़ है, उहदे विच उहदी जिहड़ी फिजियोलॉजी है, फिजिकल हैल्थ कह लो, उहदी जिहड़ी है मैंटल हैल्थ, उत्ते जोर ला लो, तो फिर उहदा सोशल एनवायरमेंट, इन्हां तिना चीज़ों पर फोकस करोगे तो चीज़ बन जाएगी। बहुत मतलब कह लो कि थोड़े जे समय दे विच ही उन्होंने पता लग गया, नहीं 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 ये तीन नहीं है, एक चौथा कॉम्पोनेंट भी है जिहड़ा बड़ा जरूरी है, इन्हां तिना दे उत्ते ओवरलैप कर जांदा, वो किहड़ा आ, स्पिरिचुअलिटी। बंदे की जिन्नी देर तक अध्यात्मकता रूहानीयत उस पक्ष नूं नहीं जोड़ोगे, अंगेज करोगे, ये तिने पक्ष पूरे भी हो गए तां भी वह नहीं जा सकेगा। साहब ने तो कहा करण कारण समर्थ है करते, मैं तुझ बिन अवर ना कोई, रूहानी तौर पर बंदा कहिंदा है स्पिरिट वाले पास तू करन वाला आ, मैं कौन आ। अगला बचन लिखा तुद आपे सिष्ट उपाई आ आपे फनगोई, बाकी रचन वाला भी तू है, गोई पंजाबी का लफज है, बना के किसी चीज़ को ढा देना, गो देना, मिट्टी गोनी होंगी, जिमें तू आप ही बना रहा आप ही ढा रहा है। सब इको शब्द वरतदा जो करे सो होई, हो शब्द का मतलब है हुक्म, तेरा ही हुक्म वरत रहा चार चपेरे, जो तू चाहे उही होना आ, वडियाई गुरमुख दे प्रभर पावै सोई, पर जिहड़े गुरु वल मुँह करते हैं उन्होंने तू वडियाई देना, माण दे देना, यही हरी तेरी नवाजिश आ, गुरमुख नाम गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो तन 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 गुरु सोई। हे गुरु वल मुँह करके मेरे मनुआ तू, मतलब नानक दे रूप गुरु साहब अपने आप बयान कर दे, कह हे गुरु तू तन है, तू तन है, तू तन है, मुराद है गुरु साढ़े ते तरस करे, तो उस तरस के नाल असी जीवन के इस रूप इस रंग में माण सकीए। इनिया क बेनतियां नाल खिमा भुलां गलतियां ना चितारे हो जे, करसान माई भाई जो संघर्षशील ने भारत की फजां दे विच उन्हां दी सफलता दे चढ़दी कला की अरदास दे नाल समापन करदे हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।